नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। इंदौर में एक आबकारी अधिकारी पर ही पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि महिला ने पुलिस को शिकायत की कि वो भी आबकारी विभाग में पदस्थ थी और वहां पर भी आबकारी अधिकारी ऊंचे पद पर पदस्थ है। कई बार उन्होंने काम के नाम पर अकेले कैबिन में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई कि तुम्हें इंदौर से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दूंगा। इसी के साथ आबकारी अधिकारी ने पीड़ित महिला पर इस तरह से दबाव बनाया कि यदि वो उसके साथ संबंध नहीं बनाती है तो उसे इंदौर शहर से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा या उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पहले पीड़ित महिला ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताया, लेकिन जब संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत महिला थाने पर की। महिला थाना पुलिस ने भी जब पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की तो पूरे मामले की विजयनगर थाने को शिकायत की गई। वहीं विजयनगर पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए महिला अधिकारी की शिकायत पर आबकारी के आला अधिकारी पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले में अधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला की रिपोर्ट पर 354 का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कार्य के दौरान उसने प्रताड़ना और छेड़खाने की शिकायत की है, जिस पर कल्याण सिंह अलावा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ये आबकारी विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर काम करते हैं, महिला भी वहीं पे कुछ। ये अभी जो कंप्लेंट उन्होंने की थी ये पिछले दिसंबर में की थी, महिला थाने में भी उनकी जांच चल रही थी, वहाँ कमेटी भी जांच कर रही है इसकी। तो विगत लंबे समय से परेशान करने की रिपोर्ट की है उन्होंने। अभी सब प्रकरण दर्ज किया गया, अभी इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि चूँकि महिला संबंधी मैटर है, प्रकरण दर्ज करके उसकी जांच की जाती है। इसलिए जांच करने के लिए अभी हमने उसमें किया है, अभी जो ऑफिस है उनसे दस्तावेज ले रहे हैं और पूरी प्रक्रिया जारी है, पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नहीं, अभी यहाँ पुलिस के संज्ञान में इस थाने पर तो कोई ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट